हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वड़कम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदा बरसे और ईद मुबारक सबको। मैं एम शेख रोज क्रिएशन में आपका सबका स्वागत करता हूं और आपको मिलाने जा रहा हूं फातिमा नानी से, जो अभी इंट्रोडक्शन की तो मोहताज नहीं है, इनसे आपने पहले भी मिल चुके हो और इन्होंने आपको खूबसूरत बनने का जो टिप दिया हुआ है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत बन गए होंगे। नानी किडनी स्टोन के बारे में कुछ बताना चाहती है कि इससे कैसे आप परेशानी आपकी जा सकती है, तो अभी मैं आपको फातिमा नानी के साथ बात करवा रहा हूँ। फातिमा नानी, आपका रोज क्रिएशन में स्वागत है। प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि किडनी स्टोन से कैसे निजात पाया जाए। नमस्कार, बस अलैकुम, सबको ईद मुबारक। और बस मैं फातिमा नानी आपको कुछ टिप्स लेकर आई हूँ आपके स्टोन और किडनी स्टोन के प्रॉब्लम को कैसे बचाना चाहिए। तो देखिए, मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि आजकल की लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो रही है कि लोग जैसे कि बहुत ज्यादा नमक, सॉल्ट ज्यादा खाने में बहुत गड़बड़ होने के कारण स्टोन बन जाता है, यूरिक एसिड से ही स्टोन बन जाता है। लेकिन इसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए उसके बारे में मैं छोटे छोटे टिप्स आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, मेरे सामने अभी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बॉटल जो आप देख रहे हैं ये ऑलिव ऑयल है, बस एक चम्मच ऑलिव ऑयल। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से देखिए, ऑलिव ऑयल, ये एक चम्मच ऑलिव ऑयल आप एक इसमें ले लीजिए। और एक नींबू, नींबू बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन ये मत समझिए फायदेमंद है करके इसको आप छह छह नींबू लो, एक नींबू या जितना आधा नींबू भी आप, एसिड बढ़ जाता है, एक नींबू आप उसके अंदर डाल के निचोड़ के उसको अच्छे से उसको मिक्स करके आप ले सकते हैं, जिससे आपके किडनी स्टोन में आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके मिल्क प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड कीजिए जिससे स्टोन्स बनते हैं, और आप जितना हो सके तो सॉल्ट कम कर दीजिए, और जितना हो सके बीन्स वाले, जैसे टमाटर में बीन्स होता है, ब्रिंजो बैंगन में होता है, पेरू में होता है, और जितनी खट्टी